अभी इन्होंने क्या किया है, हनी बीस के इसको आड़ा सीधा बांध दिया है। अब मैं इनको जितना होगा उतना स्ट्रेट करने की कोशिश करूँगा। ओके, इसमें छत्ते में हनी बीस के अंडे, उनकी ये है बीस, लेटर वी कैन एडिट। इसमें जितने भी सारे हैं ना, ये इसके हनी बीस के लार्वा हैं। एक बार अगर लार्वा, एक बार क्वीन एग रखती है, लार्वा बाहर निकलने के लिए 21 डेज में निकल जाता है बाहर। जब भी हनी बीस का फ्रेम को वापस रखते हो बहुत संभल के रखना है, अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया तो हनी बीस अटैक करना शुरू कर देते हैं। ये है इनका फाइनल छत्ता। इसमें भी अंडे बहुत सारे हैं। अभी मैं होता है तो इसको थोड़ा इस छत्ते को कट करके इधर लेके आना चाहता हूँ ताकि इसको मैं ठीक से रख सकूँ। ये है हनी बी जो अपना पोलन लेके आई थी, ड्यूटी से वापस आई है हनी बी। इसको अंदर फोकस करो। ये है जो एक्स्ट्रा बीस है और अभी थोड़ा पीछे रहो, इसको थोड़ा कट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको शेप दे पाऊँ। ये जो छत्ता है ना वो थोड़ा उधर बनाए थे, उसको मैं शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ। हनी बीस बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर कहीं तभी तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गए या उनको लिमिट से ज़्यादा झटका लगे तो एक्टिवेट हो जाते हैं, या उनको लगेगा कि जो आदमी उनका रेगुलर काम करने वाला है उनके लिए उससे कुछ ख़तरा नहीं है, तो वो कुछ नहीं करेंगे, अपने आप मस्त रहेंगे। जैसा भी हनी बीस अपने आप रह रहे हैं, ना कोई गुस्सा ना कोई अलार्म। इन्हें पता है कि मैं हमेशा यहाँ पर आते रहता हूँ। देखो ये खानी पी को थोड़ा डैमेज हो गया, उसका साउंड आ गया। शायद हनी बी की क्वीन इधर है, इसलिए सारे बी हनी बी के क्वीन को वेलकम कर रहे हैं। मैंने चार फ्रेम्स को नीचे रख दिया। एक हनी बी का छोटा सा बच्चा। अब इनका काम यहाँ पे हो गया। मेरा अभी ओरिजिनल प्लान ये है कि अभी बारिश आने वाला है, ये अगर मैं इसी बॉक्स में हनी बीस को रखता हूँ तो हनी बीस का साइज़ छोटा हो जाएगा, हनी बी का बॉक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो दूसरे इंसेक्ट, इधर एक इंसेक्ट को दिखा, कॉकरोच दिख रहा है? कॉकरोच, ये कॉकरोच, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो अंदर घुस जाते हैं, बहुत सारे बीस पे अटैक करते हैं। इसकी वजह से हनी बीस अपना छत्ता छोड़ के भाग जाते हैं। जैसा देखो अभी मैंने हनी बीस को यहाँ से वहाँ को शिफ्ट कर दिया, अभी ये हनी बीस उड़ के आराम से उधर जा रहे हैं क्योंकि उनकी क्वीन उधर चली गई, वो अपने छत्ते में सेट हो गए। अब सिंस के वेदर अच्छा है, क्लाउडी वेदर नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनका वर्किंग आवर नहीं है, इसलिए हनी बीस ज़्यादा अटैक नहीं कर रहे, अपने आप में अपना काम कर रहे हैं, मुझे भी आराम से अपना काम करने दे। आइडियल टाइम है, पहले देखना है कि वेदर अच्छा रहे।
ये जैसे मैंने सारे क्वीन को सब उधर ट्रांसफ़र कर दिया जो हनी बी से उड़ के चले गए, लेकिन छोटे जो बच्चे जो उड़ नहीं सकते वो थोड़ा स्कैटर्ड हो रहे हैं। यूजुअली मैं उन्हें मैनुअली ट्रांसफ़र करता हूँ। अब मुझे नीचे के छत्ते का काम हो गया, अब मुझे ये छत्ते को उसके ऊपर रखना है और ये जो फ्रेम्स हैं उसमें रख के बांधना है। अभी वो करता हूँ काम। ये सेट हो गया, यह मेरे छत्ते जो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सेट कर दिया है ऊपर के फ्रेम्स, जिसमें यूजुअली हनी बीस अपना हनी जमाते हैं। ये मैंने खुद अपने से बनाया हुआ हनी बी का बॉक्स है। सॉरी वीडियो नहीं बना पाया, सॉरी वीडियो नहीं बना, सॉरी उसका वीडियो नहीं बना पाया। अब ये है हनी बीस का छत्ता। जब हनी बीस स्टार्टिंग में बनाते हैं इस तरह का छत्ता बनाते हैं। जिसमें यूजुअली क्वीन अंडे देती है अपने, छोटे छोटे अंडे होते हैं। एक क्वीन भी एक दिन में 1000 तक अंडे देती है। अभी इसमें पोलन है, हनी नहीं है, सिर्फ पोलन है। अभी मैं ये जो छत्ता है उसको इधर ऊपर बांधने वाला हूँ इसमें, ताकि हनी भी उसमें अपना हनी कलेक्ट करवाए। अभी तक मैंने इसे नीचे ही रख दिया था, इसमें एग्स हैं। अब जैसे मैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम इसमें हनी बीज सिर्फ हनी कलेक्ट करेंगे। इसमें जो दिख रहे हैं एग्स हैं जो अभी बाहर निकलने के लिए रेडी हैं। जो इसमें ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये है हनी बीज जो रेडी हैं, अभी बाहर निकलेंगे आज या कल में। ये है उसके छोटे से बच्चे। अभी जो मैं बनाऊंगा वो है, अभी बताऊंगा कि हनी बीज का जो फ्रेम है उसको कैसे बांधा जाता है। ये है मेरा एक छोटा सा फ्रेम, इसको तो डायरेक्ट बांधना मुश्किल है, फिर भी चलो। ये है फ्रेम, ये हनी बीज का छक्का। सिंस ये पतला था मैंने उसको इसी में सेट कर दिया। अगर आपको वो ठीक से सेट नहीं होता है तो दूसरा मेथड है, जैसा ये है हनी बी का छत्ता। एक एक छोटा सा छत्ता भी काउंट करता है, क्योंकि हनी बीज को उसको रेडी करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत हनी यूज़ करना पड़ता है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये है जो बनाना ट्री का उससे निकाला हुआ था, उसको लो, इसको ऐसे रखो, इसे बांधो। लाइट एक्चुअली कम हो रहा है, डार्क आ रहा है इधर से, मैं उधर आती हूँ इसलिए बोल। हाँ ठीक है, आ जाओ। अभी इसके लिए सही है बट फेसिंग यू। दो हो गए, चलो एक और बांध देता हूँ, छोटा सा छोटा ना। इसको लो, छत्ता है, छोटा सा है, नो प्रॉब्लम, मैं इनको एक ही फ्रेम में बांध दूँगा।
फॉरवर्ड हाथ पकड़ के दे सकते हैं इसको, इसको ऐसे पकड़ो, इसको ऐसे पकड़े हो, मैं इसको बांध देता हूँ, इसको पकड़ेंगे, पकड़ सकते हैं। ये इतना आ गया, अब एक छोटा सा पीस है, सोच रहा हूँ इसको इसी में बांध, रख देता हूँ, चलो इसको ऐसे ही रख देता हूँ। अभी जो एक्स्ट्रा रस्सी है इसकी, इसको कट करना है। ये हो गया एक पीस, दूसरा पीस ये हो गया तीसरा, ये इस तरह से कट करो, मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ्रेम की स्पेस बच गई है, छोटा सा फ्रेम लो जो हनी बीज के लिए सही रहे, क्लीन है, इसको ऐसे लो और यहाँ पे रख दो। हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखो, फ्रेम्स को इक्वली